हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आशा करते सब लोग अच्छे हैं, मैं भी अच्छा ही हूँ। रोज़ की तरह मैं कुछ ना कुछ दिखाता हूँ, आज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कलेजी पेटा का मसाला। तो उसके लिए मैंने कलेजी पेटा लेके आया हूँ और इसको छोटे छोटे टुकड़े करके इसको साफ़ करके रेडी कर चुका हूँ। और उसके लिए मसाला में जो इस्तेमाल करेंगे, कांदा, टमाटर, धनिया, अक्की, गरम मसाला, सूखा मिर्च, लहसुन चाहिए तो मैं पहले से इसको थोड़ा सा तोड़ के रखा हूँ। और पेस्ट के लिए लगेगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी इसमें ये जो कलेजी पोटा है इसका थोड़ा सा स्मेल रहता है, तो इसको मैरिनेट करने के लिए डालेंगे थोड़ा सा नींबू, जो मैंने थोड़ा सा काटा हूँ। इसमें 2-4 बूंद नींबू डालेंगे तो इसका स्मेल चेंज हो जाएगा। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, इसको थोड़े देर के लिए मैरिनेट करके रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको मैरिनेट कर लिया है, अभी इसको थोड़े देर रखेंगे, फिर अभी इसको कैसा बनाना है तो आगे का प्रोसेस मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं राई का तेल। अभी कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें तेल डाला है। अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेज पत्ता। अभी इसमें डालेंगे जो कूटे हुए लहसुन है, इसको तोड़ के रखा था ये लहसुन, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। इसमें डालेंगे सूखा मिर्च, और इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ कांदा। कांदे को अच्छे तरह से फ्राई कर लेना है। ये कांदे का जो कलर अभी व्हाइट दिख रहा है, ये पूरा गोल्डन हो जाएगा। उसके बाद में आगे का क्या करना है वो भी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं अभी इसका कलर चेंज हो गया है। अभी इसमें डालेंगे पेस्ट किया हुआ जो मसाला है, ये मसाला। अब ये मसाला इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें कलर के लिए डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची पाउडर, और डालेंगे थोड़ा सा हल्दी। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये फ्राई करके आगे कैसा कैसा है बताता हूँ। फ्रेंड्स, अभी दिख रहे हैं ये मसाला फ्राई हो गया। अभी इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर, इसको अभी इसमें फ्राई करके फिर डालेंगे कलेजी पेटा। तो फ्रेंड्स, दिख रहा है अभी ये मसाला फ्राई हो गया है, क्योंकि साइड में इसका ऑयल भी छोड़ दिया है। अभी इसमें ऐड करेंगे ये जो कलेजी पोटा मैंने पहले से मैरिनेट करके रखा था, अभी ये इसको इसमें मिक्स करेंगे। अभी इसमें डालना रहेगा नमक। तो फ्रेंड्स, नमक डालना मत भूलिए, कि नमक अगर भूल गए तो स्वाद पूरा ख़त्म। स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें नमक। अब इसको मसाले में अच्छे से इसको मिक्स करके फिर इसमें ढक्कन लगा के थोड़े देर इसको ढकना रहेगा, क्योंकि जो कलेजी है वो जल्दी पक जाएगा। इसमें जो पेटा है उसको पकने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा,
इसके लिए ढक्कन लगाना इसमें ज़रूरी है। अब ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी ये मिक्स हो गया है, अभी गैस थोड़ा सा इसका कम करना रहेगा, कम करके इसको लगाएंगे ढक्कन, थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के रखना है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ढक्कन लगा के रखा है, ढक्कन भी बीच बीच में इसको खोल के देखना रहेगा। तो अभी ये ढक्कन निकाल के देखते हैं, ये देखिए अभी ढक्कन निकाला है, इसमें से पानी भी निकल आया हुआ है, दिख रही है साइड से इसका ये पानी निकला है। इसमें पानी नहीं डालना है, यही पानी से ये उबाल के हो जाएगा। अब ये पूरा देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें पानी निकल आया है। अभी इसको कुछ देर ऐसे ही ढकते हुए रखना है, ढकना है फिर खोलना है, इसको ऐसा मिक्स करते रहना है, नहीं तो नीचे ये पकड़ लेगा तो कढ़ाई के नीचे ये जल जाएगा, फिर तो खाने का स्वाद फिर ख़राब हो जाएगा। इसको कुछ देर तक ये पकाने के बाद में जब ये पक जाएगा फिर इसमें डालेंगे लास्ट में धनिया। अभी इसको फिर से ढक रहे हैं, कुछ देर और ढक के रखना रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी ये ढक्कन खोल के देखते, लगभग ये हो गया है। अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें पूरा इसका कलर ही चेंज हो गया है, अभी पूरी तरह से ये पक गया है। ये पूरी तरह से हमारा बन चुका है कलेजी पेटा मसाला। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया जो पहले हमने काट के रखा है, इसमें थोड़ा ये ऐड करना है। ये धनिया डाला है, इसको थोड़ा देर, थोड़ा सा एक मिनट के लिए इसको फिर थोड़ा पका लेंगे। इसको एक मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे, फिर हमारा रेडी हो जाएगा। ये ढक्कन लगा के एक मिनट इसको पका लेना है। तो फ्रेंड्स, अभी ये हो गया है, अभी इसको दिखाते हैं। धनिया भी डाल के इसको दे दिया है, अभी पूरी तरह से रेडी हो गया है कलेजी पेटा मसाला। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाया कलेजी पेटा मसाला बनाने के लिए कैसा है, कैसे कैसे बनाना है, पूरा रेसिपी आप लोगों को दिखाया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ भी अगर पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सी यू, बाय नेक्स्ट वीडियो।